जय श्री राम। बुद्धि और व्यापार की गणना रखने वाले ग्रह बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आने वाली 10 मई 2024 को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और अब वो ग्रह हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत के ग्रह मंगल, जिनको हम सेनापति कहते हैं, उनकी राशि के अंदर उनका गोचर होगा। इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले बुध बृहस्पति की मीन राशि में थे, जहाँ पर वो नीच के होते हैं, जहाँ पर वो राहु केतु अक्ष पर रहे, और पिछला काफ़ी समय अगर देखें तो लगभग लगभग 50 से 60 दिन का समय बुध ग्रह ने वक्री होकर, मार्गी होकर, कभी नीच के हुए, कभी कुंभ राशि में गए, कभी राहु केतु अक्ष पर चले गए, तो इसलिए इस प्लैनेट के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया। और जब भी किसी प्लैनेट के अंदर डिस्टर्बेंस आता है तो उसके कारकत्व में डिस्टर्बेंस आता है। अब वो डिस्टर्बेंस बहुत हद तक दूर होने जा रहा है, क्योंकि अब बुध ग्रह मंगल की मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी जहाँ बुध को हम राजकुमार कहते हैं, वहीं मंगल को हम सेनापति कहते हैं। बुध, जिसको हम गणित का कारक कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं, व्यापार कहते हैं, सोच समझ कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, बोलने की क्षमता कहते हैं, वाणी, याददाश्त, ये सब कुछ बुध ग्रह के ही तत्व हैं। अब ये बुध ग्रह शिक्षा को भी सबसे ज़्यादा प्रबोधित करता है। अब ऐसा ही एक ग्रह जब नीच का हो रहा हो, राहु केतु अक्ष पे हो, तो वो पीड़ित होता है, वो अपने पूर्ण फल नहीं देता। अब ये ग्रह वहाँ से निकलकर प्योरली एक तरीके से देखें तो एक नया जन्म बुध ग्रह का यहाँ हुआ, जहाँ पिछले 60 दिनों में जो पीड़ा झेली है, अब उस पीड़ा का अंत हो गया है। 10 मई से लेकर 30 मई तक, यानी अभी शुरुआत के 20 दिन मई के महीने में बुध ग्रह मंगल की राशि में गोचर करेंगे। ये मंगल अग्नि तत्व राशि कहलाती है। ये मंगल की सामान्य तौर पर देखा जाता है कि बुध ग्रह मंगल का मित्र नहीं है, लेकिन यहाँ बुध ग्रह मंगल की मेष राशि के अंदर है और मंगल को भी हम तेज के लिए जानते हैं, जोश, हिम्मत, साहस के लिए जानते हैं। दोनों ही ग्रह युवा हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बुध ग्रह मंगल की राशि में जाकर आपकी चपलता, आपकी चतुराई को बढ़ाएगा, आपकी याददाश्त को अच्छा करेगा, आपकी बोलने की क्षमता को अच्छा करेगा, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने में सक्षम होगा ये बुध ग्रह जब ये मंगल की राशि के अंदर गोचर करेगा। साथ ही साथ देखें तो बुध को यहाँ राहु से मुक्ति मिल रही है, बुध को यहाँ नीचता से मुक्ति मिल रही है। अब वो सभी लोग जिनको बुध से संबंधित दशाएँ हैं, या मंगल की राशि में बुध जा रहे हैं तो मंगल से संबंधित दशाएं किसी भी तरीके से चल रही हैं, तो आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। बुध ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, अश्वनी, भरणी और कृतिका, जो कि क्रमशः केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र हैं। तो बुध ग्रह का यहाँ केतु के नक्षत्र में, शुक्र के और सूर्य के नक्षत्र में जाना भी किसी न किसी प्रकार से एक अच्छा ही बल देता है, क्योंकि यहाँ केतु और शुक्र दोनों अगर देखा जाए तो बुध ग्रह के मित्र भी होते हैं। अगर आपका जन्म इसमें से किसी नक्षत्र में हुआ है, या आपकी कुंडली के अंदर कोई भी प्लैनेट मेष राशि में बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अश्वनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र में ही होंगे और बुध ग्रह भी उसके ऊपर ही गोचर करेगा, तो उसके ऊपर इसका प्रभाव और ज़्यादा अधिक हो जाता है। अब हम देखेंगे पृथक पृथक रूप से, यानी अलग अलग तरीके से हम जानेंगे कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। ये 20 दिन हमारे लिए कैसे हैं, क्योंकि अब यहाँ से जैसा कि मैंने कहा कि बुध ग्रह का एक पुनर्जन्म हो रहा है, बुध ग्रह का एक नया उदय हो रहा है। अब देखना यह है कि व्यापार के, गणित के और वाणिज्य के ग्रह बुध, मंगल जो ग्रह हैं हिम्मत, जोश और साहस के हैं, इनके साथ जाकर क्या करेंगे, क्योंकि जैसे ही बुध ग्रह मंगल की राशि में पहुंचेंगे, वहां पर पहले से ही शुक्र ग्रह विराजमान रहेंगे और सूर्य ग्रह उच्च के होकर रहेंगे। अगर देखा जाए तो बुध वहां 30 तारीख तक रहेंगे, 10 मई से 30 तक, तो 19 मई तक शुक्र भी उसी राशि में रहेंगे और सूर्य भी 14 मई तक उच्च का होकर रहेंगे। यानी कुछ ना कुछ सूर्य और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव भी बुध के साथ रहेगा। अब आइए जानते हैं इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है और कैसे एक नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है, और कैसे आपके लिए आने वाले समय में ग्रहों की स्थितियाँ क्या लाभ दे रही हैं, क्या सावधानी देंगी आपको, क्या चेतावनी देंगी, वो सब बड़े विस्तार से समझने की हम यहाँ कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कन्या राशि के जातकों के जीवन में ये बुध का परिवर्तन कैसे फल देगा। देखिए, कन्या राशि के लिए अगर हम देखें तो आपकी राशि और कर्म दोनों की जिम्मेदारी निभाने वाला एक ही ग्रह है, उसका नाम बुध है, और वो बुध ग्रह आपकी राशि से 8वें घर के अंदर गोचर कर गया है।
गोचर कर गया है तो इसका मतलब है आठवां घर किस चीज का होता है? अड़चन, दुविधा और परेशानी का, कार्य के अंदर डिले का माना जाता है। सामान्य तौर पर देखें जब राशि का मालिक आठवें में गोचर करे, मंगल की शत्रु राशि में, कर्म का मालिक आठवें घर में गोचर करे, मंगल की शत्रु राशि में, यानी ये प्लेनेट आपके जीवन में अड़चन देने के लिए आ गया। क्योंकि आठवां घर शुभ नहीं है, आठवें घर में पड़ी हुई जो राशि है वो मंगल की है, वहाँ पर वो शत्रु कहलाता है। तो सबसे पहली परिभाषा के हिसाब से देखें तो प्लेनेट का अष्टम में गोचर शुभ नहीं है, अड़चनों वाला है। यानी मैं इस दौरान, यानी आप इस दौरान जो परिश्रम करेंगे उस परिश्रम का आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। बहुत बार ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को नकारात्मकता भी होती है, फेलियर भी होता है कि यार सफलता नहीं मिल रही, प्रयास तो हुआ लेकिन काम करने गया था बड़े मन से लेकिन उस काम को मुझे सफलता नहीं मिली, क्योंकि वो कर्म भाव का मालिक। अब कर्म का मालिक अष्टम में हो तो अप्स एंड डाउन इन कैरियर का समय होता है। नौकरी वाला आदमी है तो उसको डर लगा रहता है कहीं जॉब लॉस ना हो जाए, कहीं नौकरी में प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई घाटा ना हो जाए। ये जो व्यापार वाला होता है उसके लिए भी उतार चढ़ाव है, आज अच्छा चल रहा है कल को खराब हो गया, फिर कुछ अच्छा चल गया फिर खराब हो गया। नहीं, लगातार अप्स एंड डाउन देने वाले प्लैनेट्स हैं। बुध का ट्रांजिट जब तक यहाँ रहेगा तब तक बहुत अच्छी स्थितियों में नहीं है, एक बात। दूसरा, अब प्लैनेट के सहयोग की बात करें कि इसको दो प्लैनेट सहयोग कहते हैं। वो कहते हैं जब सहयोग कर रहा हो ना कोई प्लैनेट तो कहते हैं कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली हो वो भी सॉर्ट आउट होती दिखती है, कि जहाँ व्यक्ति को लगता है कि अब तो काम डूब ही जाएगा, अब तो मैं बर्बाद हो ही जाऊंगा, अब तो मेरी सम्मान हानि हो ही जाएगी, तो वो सम्मान हानि नहीं होने देते प्लेनेट। उसमें पहला प्लेनेट है शुक्र ग्रह, जो आपके लिए भाग्य और धन का मालिक होके 19 मई तक शुक्र को बुध को सपोर्ट करता है। यानी लगभग आधा समय काल तो शुक्र ने सहयोग से निकाल दिया, कि अड़चनों में फंसाएगा बुध, निकाल के लाएगा शुक्र। धन की कमी बुध की वजह से आएगी, शुक्र उसको पूरा करते दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र भाग्य के मालिक हैं और शुक्र धन भाव के मालिक भी हैं। उसके बाद 19 मई के बाद यही शुक्र ग्रह पहुंच जाएंगे आपकी राशि से भाग्य स्थान में, शुक्र की प्रबलता रहेगी। जब भाग्य बली होता है ना तो बहुत बार क्या होता, कहते हैं भैया मैं तो बस नसीब का ही खा रहा हूँ, मेरा तो कहीं भाग्य ही साथ दे रहा, कर्म मेरा साथ नहीं दे रहा। तो जब यही होता है कि जब दशम का स्वामी अष्टम में हो तो कर्म साथ नहीं देता, लेकिन भाग्य का मालिक उस दौरान अगर प्रबल हो तो वो साथ देता। यानी इस पूरे महीने में जितनी प्रॉब्लम बुध दे रहा है उसका सलूशन शुक्र निकाल रहा है। यानी जब जब आप प्रॉब्लम में आएंगे, फंसेंगे, समस्या में होंगे, तब तक शुक्र ग्रह की वजह से आपको वहाँ से निकाला जाएगा। तो कुल मिलाकर ये महीना देखें तो एक औसत महीना बुध की वजह से रहेगा। इस महीने में हम 50-50 रिजल्ट कह सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत बढ़िया संकेत नहीं देता तो बहुत खराब संकेत भी नहीं देता, क्योंकि शुक्र आपके सहयोगी हो गए हैं। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए, जब बुध राशि और कर्म दोनों के मालिक हो जाएं तो क्या होगा। जय श्री राम।